नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 167 है, जिसमें डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है। डिफॉल्ट बेल का मतलब है कि जब क्या होता है कि जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस के लिए चार्जशीट फाइल करने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होती है, एक स्टिपुलेशन होती है टाइम की, कि इतने समय के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल कर देनी है। जैसे कोई मर्डर केस है तो मर्डर केस के अंदर 90 डेज के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है, और अगर पुलिस 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो फिर उस केस में एक्यूज जो है वो बेल का हकदार हो जाता है, एंड ही इज यू नो ही कैन गेट द डिफॉल्ट बेल, कि अगर 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो वो बेल का यू नो ही वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट द बेल, राइट। तो सीआरपीसी का के सेक्शन 167 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है दोस्तों। तो इस केस में ये जजमेंट आई है स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस टी गंगी रेड्डी, इस केस में जजमेंट है। इस केस में क्वेश्चन ये था कि द क्वेश्चन अरोज इन द केस इज दैट वेदर अ डिफॉल्ट बेल कैन बी कैंसल्ड आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जशीट वेन इट इज ग्रांटेड फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन द 90 डेज एज पर द सीआरपीसी। यानी कि सीआरपीसी में अब किसी को कोर्ट ने किसी किसी केस में पुलिस ने चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं करी, उस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने एक्यूज को बेल दे दी। अब सवाल ये है कि क्या उस बेल को कैंसिल किया जा सकता है आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, आफ्टर दैट मतलब बेल दे दी, बेल देने के बाद चार्जशीट फाइल हो गई, तो क्या उस बेल को कैंसिल करा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप अपना जवाब यू नो यू राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि ऑन मेरिट्स इट कैन बी कैंसल्ड, देर इज नो बार इन कैंसिलिंग डिफॉल्ट बेल ऑन मेरिट्स आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जशीट। जब चार्जशीट आ जाती है तो मेरिट पे हम सुन के उसको कोर्ट डिसमिस कर सकता है। देर इज नो एब्सोल्यूट बार दैट वंस अ पर्सन इज रिलीज ऑन डिफॉल्ट बेल इट कैनॉट बी कैंसिल्ड ऑन मेरिट्स एंड ग्राउंड लाइक नॉट कॉपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। अगर ये सब ग्राउंड होते हैं कि भाई अब वो जब डिफॉल्ट बेल पे आ गया तो वो इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहा, या फिर यू नो मेरिट्स पे कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति छोड़ने लायक नहीं है, इसको बेल नहीं दी जानी चाहिए, तो मेरिट्स पे कोर्ट उसकी बेल कैंसिल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट हाई कोर्ट जजमेंट विच हेल्ड दैट डिफॉल्ट बेल कैनॉट बी कैंसिल्ड ऑन मेरिट्स विल गिव प्रीमियम टू द लिथार्जी एंड डिसऑनेस्टी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फोर्सेज। मतलब अब कोर्ट ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर हम इस चीज को अलाउ कर देते हैं कि जो डिफॉल्ट बेल है उसको मेरिट पे आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, वो टाइम पे चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे और फिर वो व्यक्ति बेल ले लेगा और फिर वो बेल नहीं कैंसिल हो सकती। तो इससे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इससे जो है डिसऑनेस्टी बढ़ेगी इन्वेस्टिगेटिंग फोर्सेज में, राइट। तो कोर्ट कहता है कि डिफॉल्ट बेल को कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों दिस वाज हेल्ड इन क्रिमिनल अपील नंबर 37 ऑफ 2023 बाय जस्टिस एम आर शाह एंड सी टी रवि कुमार, राइट। दिस इज द टाइटल ऑफ द केस। सो इफ इन केस एनीवन नीड दैट जजमेंट दे कैन यू नो फाइंड इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई होप दिस वीडियो हैज बीन यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। Thank you for watching.